केंद्र सरकार ने हाल ही में बजट पारित कर दिया है। जल्द ही उत्तराखंड सरकार भी बजट सत्र आयोजित करने वाली है। इसके लिए युवा, महिलाएं और किसी भी उम्र के प्रदेशवासी अपने सुझाव दे सकते हैं। पहले तो हम लोग सभी से, जैसा हमने पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं, हम लोग ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कैसे हमारा अच्छा बजट हो। वो हमने शुरू कर दिया है और उसके बाद फिर जैसा पिछली बार भी किया था, पहली बार, इस बार भी हम करेंगे। अपना संवाद जनता के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे बैठेंगे, कैसा और अच्छा बजट हम दे सकते हैं ये हम चर्चा करने के उपरांत फिर बजट सत्र जब आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हमें केंद्रास बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारी केंद्र की योजनाएं हमें मिल रही हैं, उसको दृष्टिगत हम इस बजट में भी अपना अच्छा बजट जनता को देने का काम करें। लेकिन देहरादून के युवा रजत का कहना है कि बेहतर शिक्षा और रोजगार ही उत्तराखंड के युवा को चाहिए। वह चाहते हैं कि बजट में इस बार इनसे जुड़े मुद्दे शामिल हो और युवाओं रोजगार के लिए सड़कों पर न उतरना पड़े। इस टाइम जो हमारी सरकार है, धामी सरकार, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो खुद युवा हैं तो युवाओं के लिए उन्हें भी सोचना चाहिए। आजकल उत्तराखंड में बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है कि बीएससी एमएससी करने वाले युवा भी 15-15, 10-10 हज़ार रुपये की नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं दुकानों पे या मजदूरी के लिए। तो उन्हें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और फोकस करना चाहिए कि हमें युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये कोशिश करता है कि मेरे बच्चे पढ़ें, लेकिन अब लोग ये सोचने लगे हैं कि अगर हम पढ़ा के भी क्या करेंगे उन्हें, जब रोज़गार ही नहीं है और सरकार ने सरकारी नौकरियाँ ही ख़त्म कर दी हैं, हर चीज़ में करप्शन स्टार्ट हो गया। तो फिर लोग यूँ सोचते हैं कि अब तो पढ़ाना बेकार ही है। वहीं व्यापारी वर्ग भी सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बार बजट में व्यापारियों के लिए कुछ खास होगा। जो बजट दिया है उसमें तो उन्होंने जनता को बेवकूफ़ बना दिया है। उन्होंने 5 लाख की जगह 7 लाख रुपए जो किया है उससे सिर्फ जनता को लॉलीपॉप दिया है, क्योंकि जो इनकम टैक्स देने वाले पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2% लोग हैं, जो 98% बाकी लोग हैं उनके बारे में केंद्र सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। उन्हें पहले सोचना चाहिए था कि महंगाई, बेरोजगारी जो इस समय बहुत सारी है, जो लोगों को दिक्कत हो रही है, और व्यापारियों को जो कि GST लगने से सामान लाने में सामान महंगा हो गया है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि जो सामान हमारा दिल्ली से लाते हैं उसमें पहले ही 100 रुपये पे 12 रुपये GST देना पड़ता है, उसके बाद खर्चा, तो हर चीज़ जो है GST लगने से महंगी हो चुकी है। मेरा केंद्र सरकार से GST के लिए निवेदन है कि वो GST को कम करें, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और खाने पीने की चीज़ों को सस्ता करा जाए। गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम जो आसमान छू रहे हैं, जिससे आम जन परेशान है, उसको जो है महंगाई कम करनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो बजट आए वो एक गरीब लोगों के हिसाब से आए, ना कि अमीरों के हिसाब से आए। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना